हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप सब कैसे हैं। तो गाइस, मैं ना आज सुबह सुबह जैसे उठी हूँ ना, उसके बाद से ना मेरा सिर में हल्का हल्का दर्द होने लग गया है। काहे के लिए काफी ना लेट रात में सोई हूँ। श्रेय बहुत परेशान कर रहा था, सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सुबह सुबह उठी हूँ तो अचानक से वही लेट नाइट जगी हूँ, इसी कारण से होगा सिर में हल्का हल्का सा दर्द। तो उसके बाद से ना अभी इधर मैं काम में तो लग गई थी, क्योंकि काम तो करना ही है मुझे। तो देखिए आज मैं क्या क्या बनाई हूँ आज। तो गाइस देखिए, आज ना चीला बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए चीला डाली हूँ, हो गया है, इसको निकाल देती हूँ। और चाय मेरा बन गया है और इनको दे दी हूँ। अभी जस्ट उठे हैं ये, तो इनको दे दी हूँ चाय, वो पी लिए हैं। और मैं अभी नहीं पी हूँ, पीऊंगी बाद में। और श्रेयु भी उठ गया है, तो ये चीला जो है ना उसको दे दूंगी, खाएगा वो। और यहाँ पर देखिए दाल भिगो के रख दी हूँ मैं, और दूध वाला आया है तो दूध गर्म करूंगी। और यहाँ पर ना बनाऊंगी मैं करेला और आलू की सब्जी। प्याज को मैं कट करके रख दी हूँ, और मिर्ची और अदरक को थोड़ा सा पीस दी हूँ। और चलिए अब इसको ना श्रेयांश को रोटी दे देते हैं, वो खाएगा, फिर आके डालूंगी इसमें। तो उसको बोली हूँ यहाँ पे सोफा में आप बैठो, चलो। तो देखिए वो सोफा में बैठा हुआ है, ये देखिए ये बैठा हुआ है। ये लो चीला, इधर ये वाले हाथ से खाना। और ठीक है, अच्छे से बैठो, ठीक से बैठो, पैर को ठीक से करो, ये रखो। हाँ है ना, गरम है, थोड़ा देर में खाना है। ओके, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पर देखिए चीला देकर आ गई हूँ फिर किचन में, और चीला अब डाल रही हूँ। तवा खाली था, ऐसे ही छोड़ के गई थी। तो देखिए यहाँ पर डाल दी चीला मैं। उसके बाद जो है ना दूध को गर्म करने के लिए रखूंगी। और यहाँ जो कल वाला पतीला था ना दूध का, तो उसमें ना नीचे पूरा दूध गिर गया था, तो पूरा चिपक गया है, उसी को मैं देख रही थी। और यहाँ पर ना आवाज़ दिया श्रेयु पानी चाहिए, तो यहाँ पर उसको ना पानी देने के लिए कटोरी में, उसके बाद ना कटोरी में पानी पिया। उसके बाद बोलता है चाय में खाऊंगा, चाय चाय करके। उसके बाद उसको ना चाय और चीला खिलाई, और इनको भी दे दी हूँ चीला और चाय खाने के लिए, तो ये खा रहे हैं। उसके बाद दोनों गए हैं नीचे, तो देखिए वहाँ सैंडल पहन रहे हैं और जा रहे हैं नीचे। तो उन लोग चले गए हैं दोनों, और श्रेय को बोले नीचे, इनको बोली मतलब श्रेय को नीचे छोड़ देना। और चलिए अब मैं फटाफट से अपना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। अभी तक मैं ब्रश वगैरह नहीं की हूँ, तो ब्रश वगैरह कर लेती हूँ और जा रही हूँ कपड़ा धोऊंगी, तो उसको भी करती हूँ फिर। और इसके बाद इधर का खाना पीना जो है ना फिर बनाऊंगी, पहले कपड़ा धो लेती हूँ। काफ़ी ढेर सारा है, कल वाला जो मैं बोली थी ना उसको भी रात में नहीं धोई थी, अभी धोऊंगी मैं उसको। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं ना आ गई हूँ बाथरूम में और कपड़ा धो रही हूँ। तो थोड़ा सा ही कपड़ा धोई थी, फिर घंटी बजा दिए श्रेयु को ले जाओ करके, तो फिर उसको लेने के लिए गई थी। उसके बाद ना फिर यहाँ पर कपड़ा धोने के लिए लग गई, और वो खेल रहा है। उसके बाद ना मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर निकल गई। यहाँ पे ना श्रेयांश आ गया है, क्योंकि उसके दादा दादी लोग जा रहे हैं बाहर, तो अब फिर कौन पकड़ेगा। तो ये आ गया है, तो देखिए यहाँ ये खिड़की के पास खेल रहा है। तो यहाँ पर ना कपड़े को धोकर बाल्टी में रख दी हूँ, दो तीन पानी अपना धो ली। उसके बाद ना निकलते ही सबसे पहले फिर मैं नाश्ता करी, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी और सुबह से नाश्ता नहीं की थी, और काफ़ी लेट हो गया था मेरे को नाश्ता करने में बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर श्रेयु की मस्ती तो देखिए, बार बार कैमरे के पास जा रहा है। तो देखिए हो गया नाश्ता मेरा। उसके बाद तुरंत मैं ना कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर जा रही हूँ, तो श्रेयु सामने से जा रहा है, देखिए पहले वो जा रहा है, उसके बाद उसके पीछे पीछे अब मैं भी जा रही हूँ। यहाँ छत पहुँच गए हैं और काफ़ी ढेर सारा कपड़ा है, तो देखिए मैं जल्दी जल्दी से सुखा रही हूँ। और यहाँ पर श्रेय जो है डंडा लेकर
खेल रहा है, इधर उधर जा रहा है और काफ़ी हवाएं भी चल रही थी आज ना, थोड़ी ज़्यादा ही हवाएं चल रही थी। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से कपड़ा सुखा ली हूँ मैं, तो साड़ी वगैरह को सुखा रही हूँ। और तो गाइस देखिए पूरा कपड़ा सूख गया है, काफ़ी ढेर सारा कपड़ा है, देखिए पूरा धो डाली। और चलिए देखिए यहाँ पर श्रेयु की बदमाशी, देखिए वहाँ का अगरबत्ती को निकाल रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ना कपड़ा सुखाने के बाद नीचे उतर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद फिर किचन का काम करेंगे क्योंकि सब्जी खाना वगैरह नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पर दाल को धो दी हूँ और उसके बाद ना रख रही हूँ यहाँ पर इंडक्शन में, तो नमक और हल्दी डाल दी। और यहाँ पर देखिए बेसिन में कितना सारा बर्तन रखा गया है, फिर उसको साफ़ करेंगे फिर। और यहाँ पर ना सब्जी को पहले भूनने के लिए रख दे रही हूँ, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई रख दी और उसमें फिर तेल डालूंगी। यहाँ पर ना रोटी बचा हुआ था एक चीला, तो उसको डब्बा में डाल दी हूँ और उसको ले जाऊंगी दुकान, बाद में वो श्रेयु खाएगा करके। और यहाँ पर देखिए तेल डाल दी हूँ और डब्बा में तेल ख़त्म हो गया है, लेकिन ना हम लोग पैकेट वाला लेके पहले से आ गए थे तो ड्रम में मैं रखी हूँ। तो देखिए यहाँ पर तेल को निकाल रही हूँ और उसमें डब्बे में अभी डाल देती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर डिब्बा में तेल को मैं डाल दी हूँ और जो पैकेट है ना उसको वहीं पर टिका के रख दी हूँ। और यहाँ पर अब देखिए भूनने के लिए डाल रही हूँ प्याज, मिर्ची और अदरक को किस के रखी थी उसको, तो देखिए यहाँ पर डाल दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ उसको। और यहाँ पर श्रेयु से बातें भी कर रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ना डिब्बा वगैरह को ना वो लग रहा है, इधर उधर कर रहा है, दाल वगैरह का डिब्बा नीचे में ही रखाया हुआ है तो उसी को ले जा रहा है, क्योंकि ना ढक्कन खोल लेता है आजकल तो थोड़ा डर भी लगता है कुछ भी चीज़ को गिरा देगा करके, तो उसको बहुत देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ना करेला और आलू को भूनने के लिए डाल दी हूँ और यहाँ पर फिर बर्तन धोने के लिए लग गई, तो मांझ भी रही हूँ साथ ही साथ धो भी रही हूँ। और अभी ना किचन में ही है श्रेयु, वो क्या है गैस के सामने ही रहता है, उसको मना करती हूँ बार बार लेकिन नहीं मानता है, वो गैस के बटन को ही छूते रहता है। तो देखिए यहाँ पर कुकर की सीटी बज रही है, तो भाप जो है ना कैमरे के पास आया है, और क्योंकि मोबाइल वहीं पर रखी हुई हूँ मैं, और ये जो डब्बा को धो रही हूँ उसमें अरसा रोटी था वो ख़त्म हो गया है, तो उसको भी धो के साफ़ करके रख देती हूँ, फिर दूसरा कुछ रखूँगी। और कुकर में देखिए दाल रखी थी वो हो गया तो उतार दी हूँ, और वहाँ पर रख दी हूँ चावल। और इधर जो है ना सब्जी को मैं चला रही हूँ और धोते धोते भी दो तीन बार चलाई हूँ क्योंकि जल जाएगा करके। और यहाँ पर देखिए अच्छे से भून गया है और आलू तो पक गया है, थोड़ा सा करेला पकना बाकी है तो थोड़ा देर बाद उसको उतार दूँगी। तो देखिए यहाँ पर चला रही हूँ और हो गया है, तो गैस मैं बंद कर दे रही हूँ और उसको उतार के रख देती हूँ। और यहाँ पर भात को देख रही हूँ, तो भात जो है ना चावल जो है नहीं पका है, थोड़ा देर बाद में ये पक जाएगा, उसके बाद उसको पसा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर ना हो गया है चावल अब, तो उसको मैं पसा दूँगी। उसके बाद देखिए किचन को क्लीन करने के लिए लग गई हूँ और श्रेयांश को यहाँ पर ना केला दी हूँ, तो मैं बोली जाओ आप वहाँ पर खाना, क्योंकि किचन में बार बार आ रहा था ना, इधर उधर का बर्तन लेके जा रहा था, तो बदमाशी ना करे करके उसको मैं केला को दी हूँ, वो खा रहा है उधर। और यहाँ पर देखिए छिलका को फेंकने के लिए आ गया है। तो देखिए किचन मेरा हो गया है पूरा क्लीन, और दीदी को मैं बोली कि बोर चालू कर दो करके, तो यहाँ पर दीदी चालू करी बोर, तो यहाँ पर मैं गुंडी में पानी भर रही हूँ। बॉटल वगैरह में तो सब मैं सुबेरे ही भर ली थी, लेकिन ना गुंडी में नहीं भरी थी, बाद में भरूँगी करके। तो लास्ट में ना देखिए यहाँ पर भर रही हूँ, और ना श्रेयु वहाँ पर खिड़की के पास खड़ा होकर ना दीदी को आवाज़ दे रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है। तो दीदी वहाँ पर ना बिही और बेर देने के लिए आई थी ऊपर में, तो वो भाग रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो उसको मैं बोल रही हूँ, तो इसी कारण बार बार मैं पीछे देख रही हूँ कि श्रेयु कहीं भाग ना जाए, उधर चला मत जाए करके, तो उसको बोल रही हूँ आ जा करके। दीदी ऊपर आई थी देने के लिए, बेर और बिही को दे दी, फिर वो चली गई। लोग हो गए हैं रेडी और अब इनको मैं फ़ोन कर दी हूँ, ये आ रहे हैं, तो चलिए अब शॉप चलते हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।